11th क्लास। तो आज मैं आपका चैप्टर थर्ड स्टार्ट कराऊंगी इंग्लिश का, दैट इज़ सुनामी द नाइट ऑफ द किलर वेव। ठीक है, तो ये आपका थर्ड चैप्टर है, इसको स्टार्ट करते हैं। सुनामी डेली टोल रीचेस 40,000, सॉरी डेथ टोल। नाउ ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जो यहाँ पर आपको यहाँ पे दिया गया है, जो सुनामी थी उसके बारे में जो आर्टिकल छपा होगा उसी से रिलेटेड है ये। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लूँ, अब ये ठीक है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है ये। तो देखते हैं इसमें, सुनामी डेथ टोल रीचेस 40,000, जो सुनामी की वजह से डेथ हुई थी वो कितनी तक पहुंच गई है, 40,000 तक। ऑन 11 मार्च 2011, 11 मार्च 2011 को अ मैग्नीट्यूड 9 अर्थक्वेक शुक अर्थ नॉर्थ ईस्टर्न जापान, एक मैग्नीट्यूड 9 नामक जो अर्थक्वेक था उसने पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट जापान को हिलाकर रख दिया, अनलीजिंग अ सैविज सुनामी, और जिसकी वजह से एक आप कह सकते खतरनाक सुनामी का जन्म हुआ। द इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक वर फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड, जो अर्थक्वेक का प्रभाव था वो पूरी दुनिया में महसूस किया गया, फ्रॉम नॉर्वे फ्योर्ड्स टू अंटार्कटिका आइस शीट, मतलब नॉर्वे से लेकर अंटार्कटिका, इन दोनों ही जगहों पर या इनके आसपास के जो इलाके थे पूरा आप वर्ल्ड को ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए। द डेब्रिस फ्रॉम द सुनामी हैज़ कंटिन्यू टू वॉश अप ऑन नॉर्थ अमेरिका बीचेस ईयर्स लेटर, और आप कह सकते हैं कि इस सुनामी की वजह से जो मलबा वगैरह आया, उस वो जो मलबा वगैरह उत्पन्न हुआ वो नॉर्थ अमेरिका के बीचेस से ईयर्स तक हटाता रहा। ठीक है, द रेसिडेंट ऑफ जापान आर स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम डिजास्टर, जापान के जो रहने वाले लोग थे जहाँ पर इसका मेन आप कह सकते हैं जहाँ पर इस आया था ये, तो जापान के जो लोग थे वो इस डिज़ास्टर का जो इफेक्ट था उससे आज भी रिकवर कर रहे हैं। अ रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी इन जापान स्टेटेड दैट एज ऑफ फेब्रुअरी 2017 50,000 इवैक्यूज वर स्टिल लिविंग इन टेम्प्ररी हाउसिंग। 2011 में सुनामी आई थी और 2017 मतलब 7 सालों तक हाल ये था कि अभी भी लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग जो थे वो टेम्प्ररी रह रहे थे, उनके परमानेंट हाउसेज जो थे वो सुनामी में बह गए थे और इसीलिए उन्हें टेम्प्ररी हाउसेज बनाकर रहना पड़ रहा था। मोर देन 1,20,000 बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड, 1,20,000 कम से कम बिल्डिंग्स जो थी वो तबाह हो गई थी। 2,78,000 वर हाफ डिस्ट्रॉयड, लगभग 2,78,000 बिल्डिंग्स जो थी वो आधी से ज़्यादा ध्वस्त हो चुकी थी, और 7,26,000 वर पार्शली डिस्ट्रॉयड, उनका कुछ कुछ हिस्सा जो था वो बर्बाद हो गया था। द एजेंसी सेड, एजेंसी ने ये कहा था। द फाइनेंशियल डैमेज फ्रॉम डिजास्टर इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट $199 बिलियन अकॉर्डिंग टू जापानीज गवर्नमेंट। जापानीज गवर्नमेंट ने यह कहा कि इस सुनामी के बाद जो नुकसान टोटल उन्हें हुआ वो लगभग $199 बिलियन का हुआ, मेकिंग इट द कॉस्टलीस्ट नेचुरल डिजास्टर इन वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब ये वो सुनामी थी जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, अब तक की सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली ये सुनामी थी। नाउ इसमें आप यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। जापान वॉज हिट बाय अ इनॉर्मस अर्थक्वेक ऑन मार्च 11, 2011 दैट ट्रिगर्ड अ डेडली 23-foot सुनामी इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जापान जो है 11 मार्च 2011 को वहाँ पर एक अर्थक्वेक आया, एक भूकंप आया और वो बहुत ज़्यादा तेज था। ठीक है, और इसके झटके इतने ज़्यादा तेज थे कि इसके कारण समुद्र में 23 फुट तक की आप कह सकते हैं सुनामी उत्पन्न हुई, जिसने नॉर्दर्न पार्ट जो कंट्री का था उसको पूरे को एक तरीके से तबाह कर दिया था। द जायंट वेव्स डिलर्स सिटीज एंड रूरल एरिया स्वीपिंग अवे कार्स होम बिल्डिंग ट्रेन्स एंड बोट्स लीविंग अ पाथ ऑफ डेथ एंड डिवास्टेशन। तो इस खतरनाक लहर की वजह से जो कि 23 फुट तक आप कह सकते लंबी थी वो, तो इस जायंट वेव की वजह से जो सिटी या रूरल एरिया थे, गाँव के जो एरिया थे या जो शहर के एरियाज थे वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं सुनामी के साथ साथ बह गए थे, उनके साथ साथ कार, घर, बिल्डिंग, ट्रेन, बोट, जो भी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी वो सब उसी के साथ बह गई, लीविंग अ पाथ ऑफ डेथ एंड डिवास्टेशन, और अपने पीछे कैसा रास्ता छोड़ गई, मौत का और मायूसियत का। नाउ 10,000 ऑफ पीपल वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम देयर होम ड्यू टू एन एक्सप्लोजन एट द फुकुशिमा डियाची न्यूक्लियर पावर स्टेशन। देखिए हज़ारों लोग जो थे वो उन लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि
उसी जगह पर एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन था और उसमें ब्लास्ट हो गया था, तो वो उसके आसपास के जो लोग थे उन्हें वापस से परमानेंट के लिए जाना पड़ा। अब इशिनुमा की रेसिडेंट के मसूदा वॉज एट हिज वर्क प्लेस पैकिंग सी फूड फॉर शिपमेंट वेन द हिस्टोरिक ट्रैम्बलर एंड सुनामी स्ट्रक हिज होम टाउन। इशिनुमा की रेजिडेंट में कई मसूदा जो थे वो अपने वर्क प्लेस पर थे जहाँ पर वो अपना सी फूड जो है वो पैक कर रहे थे शिपमेंट पर जाने के लिए। जब वो पैक कर रहे थे तभी उन्हें ये जो ऐतिहासिक भूकंप है उसके झटके उनके होम टाउन में उन्हें महसूस हुए। इट वॉज ईजी फॉर हिम टू एंटिसिपेट बाय द फोर्स ऑफ द जोल्ट दैट अ सुनामी वुड सून फॉलो। वो झटके इतने तेज़ थे कि उन्हें ये अंदाज़ा हो गया था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, एक सुनामी आने वाली है। व्हेन ही सॉ दिस वेव्स अ फ्यू 100 मीटर्स अवे हाउएवर ही वॉज डम स्ट्रक। उन्होंने देखा कि उनसे कुछ ही दूरी पर, लगभग 100 मीटर दूरी पर, एक खतरनाक एक वेव जो है, वो लहर जो है बड़ी सी, वो आ रही है। लेकिन उस लहर को देखकर वो एकदम, आप कह सकते हैं, चकित रह गए, आश्चर्यजनक रह गए। क्यों रह गए? बाय द रोलिंग कॉलम ऑफ ब्लैक वाटर एज द इनग्लव द 3-स्टोरी बिल्डिंग एंड सर्च टूवर्ड्स हिम विद इंक्रीजिंग मोमेंटम। क्योंकि उन्होंने देखा कि उस वेव, एक तो वो वेव का जो पानी था वो बिल्कुल काला था, दूसरी चीज़ वो वेव इतनी तेज़ थी, इतनी ऊंची थी कि एक 3 मंजिला इमारत को उसने डुबा दिया था। अपने साथ आते हुए वो 3 मंजिला इमारत जो थी उसको उसने डुबा दिया था। ना मसूदा वॉज टेरिफाइड, तो मसूदा एकदम डर गए थे। ही हॉप्ड इन हिज कार एंड इंस्टिंक्टिवली सॉट टू सेफ्टी अ नियर बाय वेयर हाउस। वो तुरंत अपनी कार में चढ़े और आप कह सकते हैं, जैसे हमें डर लगता है, हम डेंजर में होते हैं तो हम किसी सेफ जगह जाना चाहते हैं, तो वही इंस्टिंक्ट के हिसाब से वो जो है एक नियर बाय एक वेयर हाउस था उनका, तो वहाँ की ओर जाने लगे। एज ही एंटर्ड थ्रू द वेयर हाउस डोर द राइजिंग वाटर फॉलोड हिम। जैसे जैसे वो वेयर हाउस के अंदर जा रहे थे जो पानी का लेवल था वो बढ़ रहा था और उनके पीछे ही पीछे आप कह सकते था। मसूदास कार क्विकली बिकम समर्ज्ड एंड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट ही यूज अ हैमर टू शैटर द विंडो एंड स्केप द व्हीकल। मसूदा की जो कार थी वो पूरी तरीके से पानी में डूब गई थी और डूब जाने के कारण उन्हें अपनी कार का शीशा तोड़कर बाहर आना पड़ा क्योंकि दरवाजे वगैरह कुछ खुल नहीं रहा था, वो चारों ओर पानी से बंद हो गया था। तो वो कहते हैं कि आई बिलीव आई मोमेंटली पास्ड आउट इन द वाटर। वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगा कि मैं वहाँ पर बेहोशी हो गया था उस पानी में, बट केम मिरेकुलसली फ्लोटिंग फेस अप एंड अलाइव। लेकिन पता नहीं कैसे, चमत्कार हुआ, क्या हुआ, मेरा चेहरा जो है वो ऊपर की ओर फ्लोट करता हुआ मेरा शरीर आ गया और मैं जीवित बच गया। वरना उनने कोई ये बिलीव नहीं था कि वो जीवित बचेंगे या नहीं बचेंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको यहीं तक बताऊंगी, नेक्स्ट टाइम मैं आपको आगे बताऊंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा और SST के क्वेश्चन आंसर आपके लगातार हर लाइव क्लास में होंगे, तो आप लोग ज्वाइन करते रहिए।